मैं सही सलामत अपनी सिटी वापस पहुंच चुका हूं। देखो चलो चलो चलो, मत दबाओ बटन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो लगेज बहुत भारी हो गया है। ओहो, रात को एक बार फिर से स्नोफॉल हो गया है, थोड़ा थोड़ा हुआ है लेकिन इस बार स्नोफॉल। आज का जो यहाँ का टेम्परेचर है वो -19 -20 डिग्री के आसपास है। मैं अभी थोड़ी देर में चेक करूँगा, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है यहाँ पे। अगर यहाँ से थोड़ी देर अगर मुंह से कोई सांस ले लेना तो इसके लंग्स जो है बिल्कुल चौक हो जाएंगे। ये ग्लव्स मैंने कल ही खरीदे थे भाई 99 yuan के। अमन और योगिता को जो है रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। और भाई ये देखो जी, कल रात को यहाँ पे ये न्यू ईयर की तैयारियाँ हैं। रात के टाइम पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, सारे पेड़ों के ऊपर इस तरह की लाइट रंग बिरंगी लगती हैं। तो मॉर्निंग, उठ जा अमन, इधर देख कैमरे में, हाय कर दे, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। ओके, बिल्कुल पैक करके लाए हैं अमन को क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है आज। योगिता भी इधर पीछे बैठी हुई है, मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा है। तो इन ड्राइवर को भी सलाम है भाई, सल्यूट है, बेचारे इतनी ठंड में हमें लेने के लिए आ गए। वैसे तो इनका भी काम है बट करें क्या भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत कम गाड़ियाँ मिलती है सुबह के टाइम पे। अब हम पहुंचने वाले हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। कुछ ही देर में आपको यहाँ पे हमारी सिटी का रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये रहा चीन का रेलवे स्टेशन, हमारी सिटी का मतलब ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। और सामने यहाँ पे ये पुलिस की गाड़ी है। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे। और कल रात को यहाँ पे जो है चाइनीज़ न्यू ईयर था तो बहुत धुआं धुआं हो गया भाई, पूरी रात इन्होंने पटाखे चलाए हैं। आप देखिए भगवान सूरज जी के दर्शन कीजिए, बिल्कुल धुंधला बिल्कुल नज़र आ रहा है। चलिए भाई, ये टैक्सी वाले को भी बाय बाय करते हैं और इनको मैं यहीं पे छोड़ूंगा। हाँ शी 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 चलना चलना, ना वैसे सू था मैं। हाँ, यहाँ पे बुलेट ट्रेन आएगी लेकिन बुलेट ट्रेन में यार अंदर जाना अलाउ नहीं है, यहाँ सिर्फ बाहर तक छोड़ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अंदर जा सकते हैं, टिकट घर तक, उससे अंदर नहीं जा सकते आप। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चीन का एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एक टिकट घर। और यहाँ से होती है एंट्री, टिकट लेने के बाद आप यहाँ से एंट्री करते हैं, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं कर सकता हूँ, जो ट्रेन में बैठेगा वही एंट्री करेगा। यहाँ की पुलिस वालों ने मुझे अंदर आना अलाउ कर दिया है, मैंने कहा मेरी वाइफ का ये बैग बहुत भारी है यार, अंदर जाने दो तो चले जाओ। तो इधर बैग जो है स्कैन हो रहा है, तब तक आप जो है अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, यहाँ चेकिंग होगी। जितनी देर में मेरी चेकिंग हुई उतनी देर में यहाँ पर बैग भी बाहर आ गया दोस्तों, और अब जो है हम एंट्री कर चुके हैं। धन्यवाद इन पुलिस वालों का, मुझे अंदर आना अलाउ कर दिया। और यहाँ पे जो है ट्रेन के नंबर लिखे हुए हैं, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ से शायद मुझे अंदर जाने देंगे। गो 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 गो, शां शां शां। हाँ
एक्चुअली अंदर का जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा है, तो पता नहीं कि मैं बुलेट ट्रेन आप लोगों को दिखा पाऊँगा नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको जो है बुलेट ट्रेन दिखा पाऊँ। पासपोर्ट मैं अपना घर पे छोड़ के आ गया, ठीक है, और बिना पासपोर्ट मैं यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ। बिना आईडी आप अदरवाइज एंट्री नहीं कर सकते हैं किसी भी एयरपोर्ट हो चाहे किसी भी बुलेट ट्रेन के स्टेशन में हो। मैंने तो भाईचारे में बोल दिया, मैंने कहा यार जाने दो, अंदर बच्चे को छोड़ना है, मेरे पास बैग बहुत भारी है, 300 खाया नहीं जाएगा। सो, यहाँ पे जो है ना खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था है, और आप मसाज करवाना चाहते हैं मसाज के लिए भी यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं सब कुछ। अब यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ मुझे जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। आजकल आईफोन से वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि जो मेरा था ये गोप्रो उसकी दोनों बैटरियाँ जो है बिल्कुल डेड होगी भाई, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है -20°, -30° तक चला जाता है। जैसे गोप्रो को बाहर निकालता हूँ तो उसकी बैटरियाँ डेड हो जाती हैं, पता नहीं यार क्या रीज़न है। सो, यहाँ पे जितनी भी शीट आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ही ऑटोमेटिक है, इसके अंदर मसाज लगी हुई है, इसके अंदर मशीनों के अंदर आप मसाज करा सकते हैं। इधर QR कोड को आप स्कैन करके मसाज का बटन ऑन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन में लग चुके हैं, तो इधर से एंट्री करनी है सबको, एंट्री करेंगे और नीचे जाना पड़ेगा, तो उधर बुलेट ट्रेन आती है। दोस्तों, आज चीन की वो तस्वीर दिखाता हूँ जो आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन आप कह सकते हैं, और अंदर देखिए बिल्कुल चमाचम है। और उसी के साथ देखिए यहाँ पे कुछ आपको बस्ती एक छोटी सी देखने को मिलेगी, एक झोंपड़ी जिसमें कि आई थिंक कुछ वर्कर्स गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। सबके घरों से धुआं उठता हुआ आपको नज़र आएगा, शायद सबके घर में खाना भी बनता है, यहाँ पे रहते हैं लोग यहाँ पे। तो ये सारी तस्वीर मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ यार, क्योंकि हम लोग सिटी से बाहर बहुत कम जाते हैं, और गांव में जाते हैं कहीं पे, तो गांव यहाँ इनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह की इमेज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बुलेट ट्रेन के साइड में ऐसे मतलब घर बने हुए हैं बहुत दूर तक। अमन आज अपनी नानी के घर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसको लगता है कि आज ये फ्लाइट के अंदर बैठेगा, बट ये बैठेगा आज ये बुलेट ट्रेन के अंदर। आ जाओ इधर आओ इधर इधर। चीन के रेलवे स्टेशन की एक अच्छी बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे धक्का मुक्की करते हुए आपको लोग नजर नहीं आएंगे, देखो अपना आराम से यहाँ पे देखो मशीनें लगी हुई है, अपना अपना कोड स्कैन करते हैं और अपना अंदर जाते हैं आराम से। तो ये है दोस्तों बुलेट ट्रेन, ऐसी रहती है अंदर, सारी बुलेट ट्रेन आपको इस तरह की देखने को मिलेंगी, एक जैसी रहती है ऑलमोस्ट, लंबी लंबी नाक वाली। तो अमन को हम बुलेट ट्रेन दिला रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ ही जो है थोड़ी देर में ये बुलेट ट्रेन के अंदर बैठने ही वाला है, इसको पता ही नहीं है। ये भाई ये देखो भाई ये देखो, ये रेडी हो गया अमन की बुलेट ट्रेन, दो सेल डाल के अभी देखो चाऊ चाऊ करते फिरेगी। अमन तो कितनी एक्साइटेड हो रहा भाई बिल्कुल। अमन हैप्पी ट्रेन, इसको बोलते ट्रेन बुलेट ट्रेन। अमन इसको भी उड़ाने की चक्कर में है, बोलता है ये तो प्लेन है। तो चीन के रेलवे स्टेशन पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है दोस्तों, देखो पहले तो आप ये चेयर्स के ऊपर बैठ गए, ठीक है, अगर आपको थकान लगी है वेट ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मसाजर लगे हुए हैं, आप यहाँ पे कोड स्कैन करके मसाज का आनंद ले सकते हैं। दूसरा, इन्हीं चेयर के ऊपर देखिए चार्जर लगे हुए हैं, चार्जर पॉइंट, आपको हर तरीके का चार्जर इसमें मिल जाता है, और अगर आपका आईफोन है तो यहाँ पे डायरेक्ट रखिए, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा आपका आईफोन। लेग्स की मसाज करनी है या नेक की मसाज करनी है, वो आप यहाँ से बटन प्रेस करके चूज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना भाई, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है दोस्तों यहाँ पे। और बुलेट ट्रेन के लिए आपको यहाँ से एंट्री करनी पड़ती है, नीचे जाके आपको बुलेट ट्रेन मिलती है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए सबके पास टिकट होना चाहिए, मेरे पास टिकट नहीं है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं रवि भाई चीन में जो है सेफ्टी क्यों है, चोरियां क्यों नहीं होती, तो भाई ये देखो एक छोटी सी शॉप है यहाँ पे, एक कैमरा ये लगा है, इसके पीछे भी कैमरा है, और देखिए दो कैमरे यहाँ पे हैं, एक कैमरा यहाँ पे है, ठीक है आप देखते जाइए यहाँ पे, और ये भी कैमरे लगे हुए हैं। देखिए भाई इतनी छोटी सी मतलब शॉप पे ही इतने सारे कैमरे, फ्रंट पे कैमरा है, ये देखिए एक कैमरा इधर पे है, और ये सिर्फ जो है इसने पर्सनल लगवाए हुए हैं शॉप वाले ने, ये देखिए भाई मतलब इतने सारे कैमरे, और साथ में एक कैमरा उधर भी लगा हुआ, देखो क्या गजब है यार। तो यहाँ से कौन हिम्मत करेगा भाई कुछ चुराने की, ये तो इस जो जिसकी ये दुकान है उसने इतने पर्सनल कैमरे लगा के रखे हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे बड़े कैमरे लगे हैं वो तो लगे ही हुए हैं, ये देखिए भाई, और देखिए ऊपर हर जगह पे जो विजिबल हैं इस समय पे कैमरे, 30-40 कैमरे हैं, 10-15 तो अभी दिखा दिए मैंने आपको, तो भाई इतने ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं तो सेफ्टी तो खुद ही हो जाती है, कौन बंदा हिम्मत करेगा कुछ चुराने की यहाँ से, एक पानी की बोतल ना चुरा के ले जाए कोई यहाँ से, अभी के अभी लट पड़ जाएंगे, बताओ यार। मैं यहाँ पे हूँ, मेरा बैग वहाँ पे बहुत दूरी पे रखा हुआ लगेज, अगर कोई इसको घसीटता हुआ ट्रेन के अंदर ले गया ना तो गई ट्रेन, लेकिन पॉसिबल नहीं है वो। ये यहाँ पे मैंने योगिता के लिए कुछ खरीदा, मैंने कहा यार ये खा लो तुम, है ना मॉर्निंग का टाइम है, आजा आजा आजा, देखो पापा ने ये ले लिया, देखो आपके लिए, ठीक है अभी ट्रेन के अंदर बैठ के खा लेना। ये बुलेट ट्रेन को अभी भी अपना हवाई जहाज ही समझ रहा है, थोड़ी देर में बुलेट ट्रेन के अंदर बैठने वाला है, चल भागो भागो भागो, इधर 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 भागो भागो, जल्दी आजा बता रहा हूँ मैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको बुलेट ट्रेन दिखाने में सक्सेसफुल हो गया हूँ मैं, मुझे अलाउ कर दिया है नीचे जाना बिना टिकट बिना पासपोर्ट के, भाई मतलब इन स्टाफ वालों को भी जय हिंद बोलना पड़ेगा भाई, बहुत अच्छे स्टाफ वाले मिल गए आज पूरा सुबह, जहाँ तक नहीं तो एंट्री पर ही रोक देते हैं भाई, अगर आपके पास आईडी नहीं है टिकट नहीं है तो एंट्री पर ही रोक देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है चीन की बुलेट ट्रेन, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल लग्जरी एकदम, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि रवि भाई बुलेट ट्रेन दिखाओ, एक्चुअली दोस्तों इसमें होता क्या है कि डब्बा ढूंढना भी इजी होता है, मेरे हाथ में यहाँ पे मेरा लगेज है, इन दोनों को यहाँ पे छोड़ के अभी कुछ ही देर में मैं वापस चला जाऊंगा, प्लेटफॉर्म तक आना अलाउ नहीं करते, बट मेरे पास जो है ये बच्चे को छोड़ने के लिए आया हूँ तो इन्होंने अलाउ कर दिया, अंदर भी जाकर घुस के दिखा दूंगा। आज जो है बहुत अच्छे है यार स्टाफ वाले, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, तो कुछ इस तरह का रहता है बिल्कुल वीआईपी सर्विस। चलो चलो गो 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 इनसाइड, हाँ यार बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी ट्रेन के अंदर बैठ गया था और वो ट्रेन चलना शुरू हो गई है, डोर बंद हो गए तो अभी मैं चल ही रहा हूँ ट्रेन के अंदर। तो बुलेट ट्रेन के अंदर भी कुछ इस तरह से सर्विस मिल दिया भाई आपको, ट्रेन तो चलना शुरू हो गई बस मैं फंस गया यार अंदर, तो मतलब फ्री में बुलेट ट्रेन में घूमना हो गया भाई, माँ कसम खा के बोलता मेरे पास टिकट नहीं है ना तो मेरे पास पासपोर्ट है इस समय पे, ना है कुछ भी नहीं है। ये मेरा सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं चीन की बुलेट ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, अमन और योगिता को छोड़ने के लिए आया था, टिकट इन दोनों के पास ही था, जैसे ही मैं एंट्री की
और डोर बंद हो गया, डोर बंद हो गया, मैं तो फंस गया। फिर मेरे पास टिकट नहीं थी तो मैंने स्टाफ वालों को बोल दिया, जो सीनियर स्टाफ वाले, मैंने कहा ना तो मेरे पास पासपोर्ट है आज, ना तो टिकट है और मैं फंस गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए कुछ पर्ची बना के दे देते हैं, हम उसको दिखा देना नेक्स्ट वाले स्टेशन पे, आप वापस आ जाना। फिर मैंने कहा वापसी का किराया बोलो वो भी फ्री में हो जाएगा। उनका यार बहुत बढ़िया बात है, फिर तो फ्री में जाना आना हो रहा है, घूमना बुलेट ट्रेन के अंदर। तो इन सब स्टाफ वालों को तो एक ही बात बोलना चाहूँगा मैं, जय हिंद। तो नेक्स्ट स्टेशन आ गया भाई, मैंने बोल दिया स्टाफ वालों को करवाओ मेरा जुगाड़, मुझे उतारने का यहाँ पे। तो ये स्टाफ वाले हैं, ये उतारेंगे मुझे भाई आज। ये है जी यहाँ के टीटी, फाइन वाइन ना लगा दे। बोलो फाइन भी कहाँ लगाएंगे, तेरे पास तो आईडी भी नहीं है। टीटी है ये जुगाड़ करा रहे मेरा, मुझे उतारने में हेल्प करेंगे ये। स्टाफ वाले बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर। तो ये है दोस्तों टीटी, इन्होंने मुझे एक पर्चा काट के दे दिया है कि भाई आप फ्री में वापस जा सकते हो, आपकी कोई गलती नहीं है, आप गुनहगार नहीं पाए जाते हो। आज चाइना में एक अजीब ही एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, बिना टिकट के और वो भी बुलेट ट्रेन में, इतनी खतरनाक सिक्योरिटी रह रही है भाई। लेकिन इन लोगों का दिल अच्छा है यार, बेचारों ने मुझे आने भी दिया, देखा भी, पर्ची काट के दे दी। मैं बड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा लगा यार, बड़ा ज़्यादा पोलाइटली इन्होंने काम किया, लिख के दे दिया कि हाँ ये ले जाओ और आप जो है छमछुन वापस जा सकते हो, और ना कोई फाइन लगाया ना कोई पैसा लिया, बताओ यार। तो दोस्तों अगर इंडिया में ऐसा होता बाय मिस्टेक, अगर आप नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच जाते तो टीटी आपके साथ क्या करता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो दोस्तों एक बार फिर शुरुआत होती है, इस पर्चे को लेके टीटी जी के साथ चलना है और दूसरी वाली बुलेट ट्रेन में एंट्री करनी है। तो ये लोग मुझे पहुँचा देंगे आज वापस, मतलब एक फॉरनर जो है इन्होंने एक दूसरे के हाथ में सौंप दिया है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी सेफ्टी। तो ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम कर रहे हैं और एक भी पैसा लिए बिना जो है मुझे मेरे स्थान पर वापस भेज रहे हैं। बुलेट ट्रेन इतनी फास्ट चलती है, मुझे इन्होंने इतने दूर मैं आ चुका हूँ, बढ़िए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए मुझे एक के दूसरे हाथ में भेजा, दूसरे के से दूसरे टीटी ने चेंज किया और मॉब पहुँचा दिया यहाँ तक। चाइना में जो रेलवे स्टेशन रहते हैं दोस्तों इस तरह के रहते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ना कोई गुटखे का थूका हुआ, ना बीड़ी की टूटी, ना सिगरेट की टूटी। ये देखिए भाई, और जब ट्रेन आती है ना ये येलो लाइन लगी है उससे बहुत दूर खड़े होना पड़ता है, लोग फॉलो भी करते हैं रूल्स को, येलो लाइन से वहाँ कोई भी क्रॉस नहीं करता है। दोस्तों ये आ चुके हैं बुलेट ट्रेन, वाह चिकनी चमकती हुई एकदम, स्पीड इसकी बहुत ख़तरनाक बनती है भाई, बहुत ख़तरनाक। इसके अंदर यही 7 से 8 डब्बे होते हैं, लंबाई में छोटी रहती है इसीलिए बहुत जल्दी भागती है। इसके जो प्राइस रहते हैं टिकट रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं रहती है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल रहती है अंदर। दोस्तों बुलेट ट्रेन अंदर से देखेंगे तो कुछ इस तरह की रहती है, इसके अंदर लेग स्पेस काफ़ी अच्छा रहता है, प्लेन से अच्छा लेग स्पेस रहता है इसमें। अब यहाँ से मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और कुछ ही देर में अपनी सिटी वापस पहुँच जाऊँगा। मुझे बोला ठीक है आप बाय मिस्टेक ट्रेन के अंदर बैठ गए तो आपकी टिकट बना देते हैं। मैं कह रही मैं तो आईडी पासपोर्ट कुछ भी लेके नहीं आया हूँ। बोले यार क्या करना है अब, उन्होंने पर्चा बनाया यार, पर्ची को लिख दिया, बोले चलो यार फ्री फ्री में वापिस चले जाओ। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस आज का, बिना टिकट के ट्रैवलिंग किया हमने चाइना में, अभी भी देखो बुलेट ट्रेन के अंदर ही हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दोस्तों अब जो है मैं सही सलामत अपनी सिटी वापस पहुँच चुका हूँ बिकॉज ऑफ दिस पर्चा, इस पर्चे की वजह से। उन्होंने इस पर्चे पर लिख दिया था कि भैया इसको जो है वापिस इसकी सिटी वापस पहुंचा दो। इन रेलवे स्टाफ वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने मुझे जो है सही सलामत मेरी वापस मेरी सिटी में पहुंचा दिया है। सो मेरे दोस्त कहते थे बुलेट ट्रेन पे ब्लॉग बनाओ, तो भाई मुझे कभी लाइफ में ऐसा नहीं था कि मुझे इस तरह से ब्लॉग बनाना पड़ेगा, रियलिटी होगी मेरे साथ, कांड हो गया है ना। मुझे कभी लाइफ में ऐसा नहीं था कि
मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा और मतलब पूरी स्टोरी बन गई आज तो, है ना। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि चाइना के जो ये स्टाफ है इन्होंने बड़े अच्छे तरह से कोऑपरेट किया। तो दोस्तों बताना, अगर यही कांड अगर आपके साथ इंडिया में होता तो इंडिया में आप कैसे इसको सॉल्व करते, या टीटी कैसे सॉल्व करता है इसको, आपके पास बिना टिकट बिना आईडी के अगर आप चढ़ गए हो तो कैसे वहाँ पे सॉल्व होता है, आपके साथ अगर कभी हुआ है अपना भी किस्सा शेयर करना। और जब मैं हरिद्वार में मुझे उतरना था तो हेमकुंड एक्सप्रेस जो है सीधा ऋषिकेश पहुँच गई, मैं सोया रह गया। तो ऋषिकेश में पहुँचा तो मेरे पापा ने मुझे फीस के लिए पैसे दिए थे और मम्मा ने कुछ खाने पीने के लिए पैसे दिए थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा मैंने उनको बताया कि मेरे पास ये है टिकट है हरिद्वार तक कि मैं सोया रह गया इसलिए ऋषिकेश पहुँच गया। तो उन्होंने जो है मेरे जेब में से सारे पैसे निकाल लिए और पैसे भी निकाल लिए और उसके बाद जो है उन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया भाई, बिल्कुल खाली। मेरी जेब में रखे 5,500 रुपये छोड़े थे, उसका टिकट लेके मैं ऋषिकेश से हरिद्वार वापस आया था। तो ये सब हुआ भाई मेरे साथ। आपके साथ अगर ऐसा कोई किस्सा हुआ है तो बताना ज़रूर भाई। मेरे साथ तो फॉरन में हुआ, चाइना में, दूसरे देश में, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई। आज मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा इन स्टाफ वालों का, टीटी जितने भी मेंबर्स ने मुझे हेल्प किया है वापस मेरी सिटी में आने के लिए और बिना पैसे के। भाई मैं पैसे देने के लिए रेडी था, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो बोल रहे कि तेरे पास जब आईडी नहीं है तो तुझे टिकट किस बेस पे देंगे। मैंने कहा हाँ यार वो भी बात है। तो इन लोगों ने जो मेरे लिए किया भाई, आज मैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा और इन सबको एक ही बात कहना चाहूँगा, जय हिंद। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि रवि भाई ब्लॉग बनाओ, बुलेट ट्रेन के अंदर ब्लॉग बनाओ। तो मेरे साथ मुझे नहीं पता था भाई कितना बड़ा कांड हो जाएगा और उसका ही ब्लॉग बना दूंगा। ये जो भी आज वीडियो में हुआ है मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ भाई, इसमें जो भी है सब सही है, माँ की कसम खा के बोलता हूँ भाई। आज की वीडियो जो है इसमें जाना आना मेरा जो है बिल्कुल फ्री था, एक भी पैसा नहीं लगा भाई, और वो भी बुलेट ट्रेन के अंदर, है ना। चीन में आप एक बस तक में नहीं बैठ सकते बिना टिकट के, सोचो यार, है ना। तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन में अंदर फॉरन में दूसरे देश में चीन में बुलेट ट्रेन के अंदर आज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि फ्री में आपका भाई जो ट्रैवल करके आ गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर देना भाई। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली आने वाली है।